आज कहीं ना कहीं जहां नॉन बीजेपी सरकारें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जहां बीजेपी की सरकार वहां का फिगर नहीं आ रहा है। गुजरात का वीडियोज आपने देखा होगा, आप चलाइए, मैं निवेदन करूंगा सिटी हेडलाइन वो वीडियो चलावे जो है, जो अभी 4 दिन से वायरल हो रहा है गुजरात का। लोग जो है रोड पे और हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में जो है तड़प रहे लोग जो है, और वहां पे वो स्थिति है। बिल्कुल हमें जो है कोई ये मार्केट बंद करने में या लॉकडाउन करने में, व्यापारियों को परेशान करने में कोई जो है हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है जो है। निश्चित तौर पर अगर बीमारी खत्म करना ही टारगेट है जो है, आप समझिए जो है हमारा आपका सुरक्षा ही प्रायोरिटी है हमारा शासन के लिए। कोरोना दोबारा जो हमारे महाराष्ट्र में आया वो बंगाल से ही आया जो है, क्योंकि वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है दो दो तीन तीन पाँच पाँच लाख और दो दो लाख 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 का तो निश्चित तौर पर वहाँ क्राउड होता ही है। वो तो मैं गारंटेड मैं भी बोलूँगा कि लाख लाख दो दो लाख का गैदरिंग वहाँ पर हुआ। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुंबई और कोलकाता का जो है एवरीडे फ्लाइट है, एवरीडे ट्रेन है हमारा। कोई भी जो है जो मेट्रो सिटीज़ है बड़े बड़े जो है उसमें से दिल्ली का हमारा अप डाउन है। तो निश्चित तौर पे बंगाल में कोरोना नहीं है, बॉम्बे में इतने तेज़ी से रिपीट हो जाता है, महाराष्ट्र में रिपीट हो जाता है, या वहाँ पे कोरोना हमारा ख़त्म हो गया जो है, खाली जो है नॉन बीजेपी सरकार आज हमारे यहाँ महागाड़ी का सरकार चल रहा है जो है, तो यहाँ पे है। निश्चित तौर पे बहुत ही जो है कंफ्यूज है इस देश की जनता जो है, और निश्चित तौर पे जो है हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री हमारे उद्धव साहब ठाकरे ने जो है एक सालों में जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र को कंट्रोल किया है, इस बीमारी से लड़े हैं, उसकी सराहना जो है महाराष्ट्र की एक एक नागरिक जो है कर रहे हैं, एक एक व्यापारी कर रहे हैं। व्यापारियों के हित में जो भी निर्णय हो सका है हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने लिया है। अभी आपने देखा जो है 7% जो हमारा स्टैम्प ड्यूटी है उसको उन्होंने 3% पे लाया था, जहाँ पे 6% लगता था वहाँ पे 2% पे लेके आए थे। उससे व्यापारियों का रियल इस्टेट में एक जो है चढ़ाव आया, जिसके पास घर नहीं था उसके पास इस लॉकडाउन के पीरियड में महाराष्ट्र शासन के निर्णय के हिसाब से घर हो गया। बहुत ही अच्छा माहौल था जो है। दुर्भाग्य रहा जो है कि यहाँ से कोरोना फिर से जो है रिपीट हुआ, उसी के कारण जो है विरोधी पक्ष ने जो है डेली फिगर बता रहे जो है, दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री जो है फिगर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, बढ़ गया, राज्य सरकार क्या कर रही है। अरे भाई, क्या करने में मोदी जी ने शुरू में सिखाया कि बंद कर दो पूरा, लॉकडाउन कर दो पूरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन सिखाया है। तो अब अगर वो लॉकडाउन का अनुकरण जो है हमारी सरकारें कर रही हैं तो उसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है? या तो बता दो जो है कि वो फिगर से आप चिढ़ाना बंद कर दीजिए जो है, और या तो जो है कोई उपाय बता दीजिए जो है कि विदाउट लॉकडाउन का जो है अगर कोरोना कहीं पे बढ़ रहा है उसका उपाय क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बता देवे जो है। तो निश्चित तौर पे जो है जब बीमारी बढ़ रही है तो आप फिगर बता रहे हो, और जब जो है लॉकडाउन का जो है थोड़ा सा कड़ा निर्णय लिया जा रहा है तो आप व्यापारियों को भड़का रहे हो। तो निश्चित तौर पर जो है ये दोहरा राजनीति जो है मत करिए जो है, और मौत से खेलना, इस बीमारी से खेलना जो है कृपया इस समय बंद करिए जो है, इसका मैं जो है विरोध करता हूँ। आपने कहा बंगाल से कोरोना आ रहा है, कलकत्ता और मुंबई की कनेक्टिविटी है, कोरोना आ रहा है, तो क्या इस वक्त जहाँ जहाँ चुनाव चल रहा है वहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग बंद है इसलिए रिपोर्ट नहीं आ रहा है, या कुछ और वजह? देखिए, मिशन लोटस पे पूरा देश चल रहा है। मैं बड़ा बड़े सफाई से कहता हूँ कि देश बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो है दुर्भाग्यपूर्ण दौर में है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सारे तंत्र जो है खाली मात्र जो है चुनाव लड़ने में बिजी है। देश कैसे ये चल रहा है, देश का अर्थव्यवस्था बता रहा है जो है कि देश तकलीफ में है। आज कहीं ना कहीं जहां नॉन बीजेपी सरकारें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जहां बीजेपी की सरकार वहां का फिगर नहीं आ रहा है। गुजरात का वीडियोज आपने देखा होगा, आप चलाइए, मैं निवेदन करूंगा सिटी हेडलाइन वो वीडियो चलावे जो है, जो अभी 4 दिन से वायरल हो रहा है गुजरात का। लोग जो है रोड पे और हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में जो है तड़प रहे लोग जो है, और वहां पे वो स्थिति है। मेरा बिल्कुल कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो रहा है जो है, और बड़े सफाई से बड़े ईमानदारी से महाराष्ट्र शासन ने जो है कोरोना से लड़ाई लड़ा है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे व्यापारी भाई कि ये व्यापारियों का शहर है मुंबई शहर, मीरा भाईंदर शहर, यहां का नागरिक ही व्यापारी है, व्यापारी ही नागरिक है। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हित के लिए राज्य सरकार कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेगा। अगर कोई कड़ा निर्णय लेना पड़ा है तो निश्चित तौर पर आपके हमारे परिवार के लिए है ये निर्णय जो है, इसमें आप जो है सहयोग करिए जो है। और निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जो है बहुत ही भावुक व्यक्ति है, उन्होंने जो है आपके दर्द को, आपके तकलीफ को वो समझते हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है एक अल्टरनेट जो है विषय लेके आएंगे जो है, और ये बीमारी हमारे बीच से खत्म होगा जो है। और बिल्कुल हमें जो है कोई ये मार्केट बंद करने में या लॉकडाउन करने में, व्यापारियों को परेशान करने में कोई जो है हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है जो है। निश्चित तौर पर अगर बीमारी खत्म करना ही टारगेट है जो है, आप समझिए जो है हमारा आपका सुरक्षा ही प्रायोरिटी है हमारा शासन के लिए।
तो दोस्तों कमोबेश इन्होंने यही कहा कि जिन जिन शहरों में चुनाव हो रहा है वहाँ पे कोरोना के केसेस नहीं, क्या ऐसा लगता है, क्या एक दूसरे से कनेक्टिविटी टूट चुकी है? तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को टारगेट भी किया जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना के केस जो है तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा ईमानदारी से महाराष्ट्र में कोरोना की टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग के जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके आधार पर उद्धव सरकार काम कर रही है। हालाँकि इस लॉकडाउन से लोग नाराज जरूर हैं, लोगों का प्रोटेस्ट है, विरोध है और इस चीज़ पर संज्ञान भी लिया है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने, और उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए लोगों से आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हम आपका जो है दर्द समझते हैं। कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अब तो भाई वही कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जाके व्यापारियों को भड़काया गया है, कॉरपोरेशंस में भेजा गया है, लोगों को जो है धरना देने के लिए उकसाया गया है। और ये काम पहले भी हुआ, चाहे वो कंगना के मैटर में हुआ, सुशांत के मैटर में हुआ, सारे समय जो है चाहे वो जो है मजदूरों को जो है पलायन करने के लिए मजबूर किया। निश्चित तौर पे जो है महाराष्ट्र ने हर एक गरीब, हर एक श्रमिक, हर एक व्यापारी का के हित में जो है हर निर्णय लिया है। 365 दिन हो गया, एक साल से ज़्यादा हो गया, हमारा शासन कहीं पीछे नहीं हटा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जब अच्छा काम सरकार कर रही है उसको कहीं ना कहीं जो है उपरोक्त तरीके से, अलग तरीके से जो है विरोधी पक्ष जो है उसको उकसाने और भड़काने का काम कर रही। कृपया बंद करिए, इस विषय पे मत करिए, मेरा निवेदन है विरोधी पक्ष से जो है। एट लास्ट इन्होंने यही कहा कि जो है कोरोना पे राजनीति नहीं होना चाहिए, कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से जो है सब मिल करके, एक साथ मिल करके कोरोना को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। और मैं फिर से आपसे अपील करूंगा कि आप भी अपने अपने जगहों पे, आप अपने अपने स्थानों पे कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। सभी को दुआओं में याद रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। Thank you so much.